बार बार ऐसे ब्लिंक कर रहा। अब ये किस वजह से हो रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो ये पेटीएम से कर दूँ, ये कैश दूँ? हो गया, ठीक है, थैंक यू। फिलहाल तो इसको पहले सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि सैनिटाइज करना ज़रूरी है। ऑल राइट, तो सैनिटाइज हो चुका है, आधा घंटा धूप में भी रख लिया है। अब इस पैकेज को ओपन करते हैं और देखते हैं ग्रीन स्क्रीन जो मैंने ऑर्डर की थी जैसा मेरे को चाहिए था वैसा है या नहीं है। तो कुछ इस तरह की है ये ग्रीन स्क्रीन। अभी इसको यूज़ करके देखते हैं, अगर काम बना तो ठीक है, वरना फिर रिटर्न करके दूसरी मंगवाना पड़ेगा। मुझे लगता है काम हो जाएगा शायद इससे। तो अभी तकरीबन 7 बज चुके हैं शाम के और मैं घर पे आ रहा है। वॉइस उसका अभी कॉल आया था मेरे को, उसको एक्चुअली एक ब्लूटूथ हेडफोन चाहिए, तो वो हेडफोन देखने के लिए हम लोग मार्केट जाएंगे अभी, क्योंकि उसको इमरजेंसी में चाहिए इसलिए अभी मार्केट से लेना पड़ेगा, वरना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे। भाई पूरी सेफ्टी के साथ मैं घर पे आ चुका है और हम लोग जाएंगे अभी गुमानपुरा, क्योंकि इसको चाहिए हेडफोन ब्लूटूथ वाला और चाहिए इमरजेंसी में। तो अभी जाके देखते हैं मार्केट में क्या सीन है। और अभी 7 बज चुके हैं लगभग, शायद दुकानें तो खुली होंगी। और ऑनलाइन इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि अभी कम से कम 10 दिन तो लग रहे हैं। जैसे आज मैंने ग्रीन स्क्रीन मंगवाई तो ये तकरीबन 9 दिन में पहुंची है। ईयरफोन इस चीज़ें चाहिए तो पहले इसका काम करते हैं फिर मेरा काम करेंगे, ग्रीन स्क्रीन का सेटअप करना है। चलिए मार्केट घुमा लेते हैं, इसी बहाने आपको। कटले में तो पहुंच चुके हैं, ऊपर जा रहे हैं और लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है, मतलब सामने शोरूम है ऐसा कुछ कटला है। और सैमसंग ओरिजिनल नहीं, फर्स्ट कॉपी। कितने का है ये? पड़ेगा भैया 850। और बैटरी बैकअप? बैटरी बैकअप 12 घंटा। ये इसका? ये भी सेम प्राइस है, 14 है, 14 घंटा। अच्छा, 450 में 5 घंटा। अच्छा, तो फाइनली एक पसंद आया और अभी उसका साउंड चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं अगर साउंड वगैरह बढ़िया रहा तो ये वाला खरीद लेंगे, बाकी सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड है। इसको पसंद आता है तो खरीदेगा, मेन इसको साउंड के लिए चाहिए वैसे। फिलहाल के लिए U&I का ये हेडफोन डन हो गया और साउंड वगैरह अच्छा है इसका, बैटरी बैकअप 14 घंटे। तो अब हम लोग चलते हैं घर पर और इसको फिर अच्छे से चेक करेंगे। मैग्नेट चटक, सारा सामान मेरा यहाँ पे रखा हुआ है इस अलमीरा पे। अरे वाह, यहाँ से खोलना पड़ेगा पहले, कभी कभी तो मैं भी भूल जाता हूँ। पता लगा किसी दिन टूट गए। सेम हाइट पर रखने पड़ेंगे दोनों। मंगाया मैंने किसी और पर्पज़ के लिए था लेकिन मैंने इसमें काम ले लिया। अब मुझे वाइस की जरूरत पड़ने वाली है तो इस मोबाइल को हम वहाँ सेट करते हैं। आ जा तू भी साथ में, आ जाओ स्टेज पे। हाँ, आ जा स्टेज पे, कैमरे का ऊपर वहाँ सेट कर। ऐसा कुछ सेटअप हुआ, ये एक स्टैंड इधर लगाया, इस पर पाइप लगाया और उसके बाद फिर ये दूसरा स्टैंड लगाया। तो अब अपन पर्दा टांगने वाले काम करते हैं। तो फाइनली इस तरह का कुछ सेटअप हुआ और ये ग्रीन स्क्रीन पीछे की तरफ और सामने वाइस भाई कैमरा के पीछे। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको, चेक करेंगे कि ठीक से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है क्रोमा वगैरह। मुझे लग रहा है वैसे सही है। अब इस क्लिप को थोड़ा सा जादू करके देखते हैं, जादू हो गया तो मिशन सक्सेसफुल। जादू तो नहीं हो पाया लेकिन हमने फिर कुछ हंसी मजाक ही कर लिया। आज की खबरों का ताज़ा हाल सुनाते हुए आपको मैं समझ होता और आज की जो खबर है वो उड़ती उड़ती आ रही है हमारे पास कहीं से, मतलब हमने जब से पबजी खेलना शुरू किया है हमारे पेट में कब्जी हो गई बढ़िया लाइन जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा पानी पीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। वो जो लोग पबजी खेलते हैं वो कब्जी के साथ भी पबजी खेल रहे हैं, उनको सलाम है यार। और अगले दिन फिर मैंने फिर से वही सेटअप तैयार किया और दोबारा से वो सब शूट करके देखा। तो फाइनली जी ग्रीन स्क्रीन तो मैंने सेटअप कर दिया है, अब बारी है कैमरा लगाने की। तो कैमरा और लाइटिंग लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं जादू ग्रीन स्क्रीन का।
और यहाँ मैंने हरे कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना पसीना पसीना हो गया। और तकरीबन 15 से 20 मिनट का कंटिन्यू काम करने के बाद वो सेटअप कंप्लीट हुआ। तो फिर मैंने अपना शर्ट चेंज किया और उसके बाद जादू काम कर गया। अब हम ग्रीन स्क्रीन का जादू देखने को तैयार रखते हैं, तो आपको ग्रीन स्क्रीन का जादू दिखाते हैं। 1, 2, 3। कुछ रिजल्ट हमें इस तरह का देखने को मिला, जो कि काफी फैंटास्टिक, काफी शानदार था। तो कुछ इस तरह का ग्रीन स्क्रीन सेटअप होता है। मैं इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम पर, कि आपका जो ग्रीन स्क्रीन सेटअप है वो किस तरह का होना चाहिए, लाइटिंग वगैरह एवरीथिंग। यार ये क्या नई प्रॉब्लम हो गई, अब मैंने कीबोर्ड भी हटा दिया है, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है जैसे हम रिफ्रेश कर रहे हैं, बार बार ऐसे ब्लिंक कर रहा। अब ये किस वजह से हो रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक बार शायद इसको रीस्टार्ट करके देखता हूँ। मेरे कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगी, जिसमें से एक ख़राब हो चुकी है, वो कंप्यूटर को हैंग कर रही है, तो मुझे उसको निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घर पर ही उसको निकाल कर देख लूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, उसके स्लॉट चेंज करने हैं और हार्ड डिस्क को बाहर निकालना है। तो अभी करके देखते हैं, अगर नहीं होता है तो सीपीयू उठाकर बाजार लेकर जाना पड़ेगा, मार्केट से करवा के लाना पड़ेगा। तो पहले तो खुद ही ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे, इनको एक साइड में कर देता हूँ। ये हुआ हेडफोन, ओह शिट, ये तो प्लग लगा हुआ है, प्लग आउट करते हैं यहाँ से। ऑल राइट, पावर कॉर्ड भी आउट। तो मैं सीपीयू को खोलने की कोशिश करता हूँ, ये दो चीज़ें निकालनी है, दोनों स्क्रू खोलता हूँ। तो इसका सीन ऐसा है कि यहाँ 2 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, तो जो सेकेंडरी हार्ड डिस्क जब मैंने इंस्टॉल की थी, मेन तो ये वाली है जिसमें विंडो वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल है, ये एक्स्ट्रा वाली जो प्रॉब्लम कर रही है, ये वाली जो हार्ड डिस्क है इसकी जो पिन है इस जगह पिन हुई हुई है, ये वाला जो स्लॉट है, और मेन वाली जो है ना वो पीछे की तरफ लगाई हुई है यहाँ पे। जब भी मैं इसको निकाल रहा हूँ ना, तो पीसी मेरा जो है स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है, यानी वो विंडो और सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो इस वाली हार्ड डिस्क को मैं अब इस वाले स्लॉट में करके देखता हूँ एक बार। स्क्रू तो मैंने इसकी खोल दी है, अब यहाँ से इसकी पावर केबल को निकाल देते हैं, या पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये इसकी स्टार्टर केबल है और ये इसकी पावर केबल है। तुम अब मैं पीसी को स्टार्ट करके देखता हूँ। तो मैंने इसको अभी ऑन किया है, पावर सप्लाई ऑन करके, फैन तो चल गया है इसका। डिस्प्ले पे देखना है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। ओके, कुछ प्रोसेसिंग तो हो रही है। चलो, पहले तो ये इतना भी नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा है, अभी तक तो कुछ दिखाया नहीं इसने डिस्प्ले पे। ओहो वाओ, चल गया गाइस, चल गया। बालाजी ये जिस शॉप से ये ख़रीदा गया था, मैंने उसके बाद से इसका नाम चेंज नहीं किया, और मेरे नाम के बजाय बालाजी का नाम आता है, बालाजी सॉफ्ट कॉम कंप्यूटर से, वहाँ से ये परचेज किया था। ओके, चल गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बढ़िया से चल गया, इसका मतलब मेरा काम हो गया। ये वाला हार्ड डिस्क है काफ़ी स्लो था, ये पता नहीं मैंने इसको क्यों इंसर्ट करवा दिया था अंदर। आई होप कि प्रोसेसिंग भी ठीक हो गई हो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इस वाली हार्ड डिस्क का था, तो बाजार जाने से बच गए, वरना मार्केट जाना पड़ता इसको लेकर। तो कभी कभी खुद भी करके देख लेना चाहिए, तुक्के में ही सही लेकिन काम हो जाता है। तो हमारा तुक्का भी लग गया है इस बार। अभी मैं इस पर GTA 5 खेल के देखता हूँ। मतलब देख रहे हो लड़के के चेहरे पर हंसी मुस्कान, GTA 5 गेम का नाम लेते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि गेम पहले से भी अच्छा चल रहा था और PC का परफॉर्मेंस बेहतर हो चुका था। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अच्छे वीडियो में। साइनिंग ऑफ आमिर खान ब्लॉग्स।